जैश मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है, लश्कर ए तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है, हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग एफएटीएफ में, आरजू जी इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है? इसमें गौरवारिया ने कौन सी साजिश कर दी? जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे एक बात बता दूं अर्जु जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ जो चली थी वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में के डीजी जो है उनका मर्डर हुआ है और कहा यह जा रहा है किसी टेरर ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और शायद जिसको अभी जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है यासर लोहार नाम है शायद उसका, उनके घर में काम करता था। तो इन दोनों न्यूज को आप कैसे देखते हैं? हाँ, तक वो सीनियर जे एन के पुलिस अफसर की बात है जो उनको मार के चला गया, ये अगेन बड़ी दुखद चीज है। जिस पर भरोसा करा उसने सोते सोते आदमी को गर्दन काटी, दगा दे दी उसने, जिसका नमक खाया था उसके साथ धोखा करा। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली अनबैलेंस था वो, या डिसबैलेंस था, जो भी कह लें, जिसको दिमाग खराब था उसका, ठीक है, अनबैलेंस भी बोलेंगे, डिसबैलेंस तो नहीं होगा वो। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में था, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन TRF जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम करा है कि नहीं हमने मरवाया था। तो क्या होता है कि मारता कोई और है, ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी और दिन TRF की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसकी असलियत क्या है इसके पीछे, या अगर आपको वक्त हो तो मैं अभी सुना दूं आपको कहानी TRF। आप अभी बता दीजिए सर। बिल्कुल जी, एक्चुअली जो भी टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके इस्लामिक नेम्स हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरेबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो JKLF था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तानी ISI ने बहुत पहले बैंड बजा दिया, ठीक है। अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद के चौक पे, मेन चौक पे प्लाकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो वही करते हैं, उतना ही करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है, उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है, लश्कर ए तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है, हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं ये पैन इस्लामिक इन नेचर हैं, इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात यह हुई कि मेरे बोलते 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 और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरान नहीं है, ये अरेबिक नाम नहीं है अंग्रेज, ये लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, ठीक है, ये लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है ये। तो इसको एक सेक्युलर नाम दे दिया, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म हुई है कश्मीर में द रेसिस्टेंस फ्रंट को लॉन्च करके, बस इतनी सी बात है। और कभी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये सच है। और इसके आपके पास प्रूफ्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की आप समझें कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग FATF में, आरजू जी इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है? इसमें गौरवारिया ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में FATF में, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर FATF से बाहर निकलना है, तो एक नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है, पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते। आरजू जी,
आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को, पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे, जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए, जिसमें आपने बोला कि जो अहमदिया है वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजूजी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां से तो आए हैं सिपाही, है जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई, ये जैश मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके, वो थोड़ा ना नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, लश्कर तैयबा मुरीद के की है, लाहौर से कितना है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता है मुरीद के का, वो मुरीद के की है। तो आरजू जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का? जी जी बिल्कुल, कहा है ना? आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं, आपने सुना होगा वो। जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाहत खान को इंटरव्यू दिया था, जी जी, वजाहत खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी, उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात यह कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि जब शेख रशीद कहता है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर पाव पाव किलो के बम मारेंगे और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे, तो दुनिया हंसती नहीं है, पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा मजाक सुन के, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फिर आप दूसरों को समझाते रहेंगे कि नहीं, हमारी फौज ने तो नहीं करा और हमारे पॉलिटिशियंस, दुनिया ये डिफरेंस थोड़ा ना करती है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी अहदेदार ने, जो कि होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन करा है। तो इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया। तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी, कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग यू नो अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो, ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया, कश्मीरियों से ना था क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में है लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहां पे मिलेगी उनको जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी, तो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जन्नत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ले ली है, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी समूह है, जैश ए मोहम्मद से ही ये जुड़ा हुआ है। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का ही एक बदलावा रूप है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से PAFF का नाम सामने आने लगा था। PAFF आतंकी समूह अंसार गजवत अल हिंद के मारे गए कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित है, जो वैश्विक आतंकी समूह अलकायदा के लिए वफादार माना जाता है। TRF का पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स या नया आतंकी संगठन है। ये हाल ही में कश्मीर में गैर स्थानीय की हत्या समेत तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार है। TRF ने बयान जारी कर कहा कि हमारे स्पेशल स्क्वाड ने जम्मू के उदयवाला में खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देते हुए DG पुलिस जेल HK लोहिया की हत्या कर दी। आतंकी संगठन ने कहा कि यह हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की शुरुआत है, यह हिंदुत्व शासन और उनके सहयोगियों को चेतावनी है कि हम कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं।
ये गृह मंत्री को उनके दौरे से पहले छोटा सा गिफ्ट है। हम भविष्य में ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे। दोस्तों, ये सारे आतंकी संगठन का कोई ना कोई तार पाकिस्तान से जुड़ा होता है, क्योंकि वहीं ये जिहादी पनपते हैं। इसलिए इस पाकिस्तान को एहसान फरामोश कहा जाता है। ये इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बदलने वाला कभी है नहीं।